हेलो फ्रेंड्स, विवेक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है प्राइड ऑफ इंडिया, जो श्रावणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे जरूल के प्लांट भी बोलते हैं, जरूल प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम है लेजिस्ट्रोमिया। फ्रेंड्स, ये एक परमानेंट प्लांट है, इसको एक बड़ा वाला पॉट में रखिए और आप लोग देख सकते हैं ये एक छोटा वाला प्लांट धीरे धीरे एक बड़ा ट्री में बन जाता है। थोड़ा सा क्यारिंग से ही इसमें आपको गर्मी के सीजन से लेके अप टू रेनी सीजन के एंड तक भर भर के फ्लावरिंग मिलेंगे। मैंने तीन तरीके का कलर हमने देखा है, जैसे व्हाइट, रेड एंड पिंक में। मेरे पास तो पिंक कलर है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और देखिए, हेवी ब्लूमिंग प्लांट है ये, बहुत सारा फ्लावर आते हैं और एक साथ आते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा इस प्लांट में कितने सारा फ्लावर आए हैं दोस्तों। इसका जो मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको वेल ड्रेनेज सॉयल हमेशा चाहिए होता है, और इसका मिट्टी जो है इसको कभी भी ड्राई नहीं होने देना है दोस्तों, हमेशा मॉइस्ट रहना है मिट्टी को। और मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग गार्डनिंग तो पॉट में करते हैं, छोटा सा गमले में करते हैं, तो इसको दीजिए वेल ड्रेनेज सॉयल। मिट्टी होगा गार्डन सॉयल, एक भाग ले लीजिए, एक भाग ले लीजिए रिवर सैंड, और एक भाग ले लीजिए या तो भर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या तो काउडंग कंपोस्ट, गोबर का खाद नॉर्मल। अगर आपके पास भर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग इसमें गोबर का खाद दीजिए और थोड़ा सा नीम खली इसमें मिला दीजिए, और इसका मिट्टी तैयार हो जाता है। इस प्लांट को दोस्तों फुल डे सनलाइट का जरूरत होता है। देखिए, मैंने नोटिस किया है कि फुल डे सनलाइट रखने से यह प्लांट थोड़ा सा मुरझा जाता है, थोड़ा सा डल हो जाता है, क्योंकि हम लोग के इधर का जो वेदर है, गर्मी के सीजन में तो बहुत गर्मियां होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सुबह का एक टाइम इस प्लांट को मैं रख देता हूँ धूप में, फिर उसके बाद में थोड़ा छांव में रख देता हूँ। लेकिन इसको गर्म का जो वेदर है वो इसको मिलना चाहिए, तब जाके इसमें हेवी फ्लावरिंग होंगे। आप लोग देखिए दोस्तों, इसका स्टेम कटिंग से मैंने एक पॉट में इसका स्टेम को कटिंग करके लास्ट टाइम मैंने लगाया था, तो देखिए विद इन 6 मंथ के अंदर इसमें कितना अच्छा से फ्लावरिंग हुए है दोस्तों, कितना अच्छा से, मुझे तो बहुत खुशी मिल रहा है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं छोटा सा स्टेम से, ये देखिए छोटा सा स्टेम से ये फ्लावरिंग हो गए हैं विद इन 5 to 6 मंथ के अंदर। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि इस प्लांट को, कोई भी प्लांट को, अगर आप लोग उसका सॉयल मिक्सचर अगर आप अच्छा होंगे, उसमें अगर फर्टिलाइजर आप लोग अच्छा से ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली ये प्लांट अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। और ये प्लांट दोस्तों रूट हार्डी प्लांट है, तो ये जल्दी मतलब डेथ नहीं करता है, और विंटर सीजन इसका डॉर्मेंसी पीरियड रहते हैं। आफ्टर फेब्रुवरी इसमें ब्लूमिंग होते हैं, ब्लूमिंग स्टार्ट होते हैं, और ये अप टू अगस्त तक ये ब्लूमिंग करते रहते हैं फुल फेज में। अगर इसमें कोई भी अगर इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े का प्रभाव होता है, तो आप लोग सिर्फ इसमें नीम ऑयल स्प्रे कीजिए दोस्तों, जो मैं करता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देता हूं, कोई भी फंगिसाइड, कोई भी कुछ नहीं देता हूं। और आप लोगों को शायद डॉर्मेंसी पीरियड के बाद देखने में लगेंगे कि प्लांट डेथ कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रूट हार्डी प्लांट है, इसीलिए ये इतना जल्दी डेथ नहीं होते हैं। और मैं तो हमेशा फरवरी के बाद एक बार प्रून कर देता हूं, तब नया नया स्प्राउट्स निकलते हैं जो आगे जाके उसी डाली में बहुत सारा फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इसमें फर्टिलाइजर ऐड करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैं क्या क्या फर्टिलाइजर में ऐड करता हूं। और इस फर्टिलाइजर को छोड़ के आप लोग इसमें जैसे एनपीके यूज कर सकते हैं, 19, 19, 19, 19, 19, 19, लेकिन मैं एनपीके यूज नहीं करता हूं। मैं जो यूज करता हूं, जो देता हूं, मैं वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो मैं फर्टिलाइजर को पहले मैं बना लेता हूं। इसमें हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, तो फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए ये देखिए मैंने कुछ फर्टिलाइजर मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो ये देखिए मस्टर्ड केक पाउडर, ये मेरा मस्टर्ड केक पाउडर को डस्ट करके रखा हुआ है थोड़ा सा। और ये तो आपका हॉर्न डस्ट है, ये देखिए हॉर्न डस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये तो आपका बोन मिल है, बोन मिल
ये वाला, और ये फंगीसाइड है थोड़ा सा, ये तो ब्लड मिल है, और ये नीम केक पाउडर। ये छह चीज़ों को हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये हम लोग हमारे प्लांट में हम लोग दे देंगे। ये देखिए, इसको हम लोग मिक्स कर ले रहे हैं दोस्तों, हमने इसको अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब लोग देखिए, मिक्सचर कुछ इस तरीके का बना है। चलिए हम लोग इसको अपने प्लांट में ऐड करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग फर्टिलाइजर ऐड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये वाला प्लांट में और ये वाला प्लांट में भी। और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मिट्टी, ये गोबर का खाद के साथ मेरा मिट्टी थोड़ा मिक्स करके रखा हुआ है, जो मैं हर प्लांट में थोड़ा थोड़ा ऊपर का मिट्टी को हटा के मैं देता हूँ कभी कभी, तो वही वाला मिट्टी हम यहाँ पे ऊपर में डाल देंगे दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा इसमें कितना अच्छा से ये फ्लावरिंग करेंगे, और ये बहुत अच्छा रहेंगे आप लोगों के पास। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी एक जगह में थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा है धूप में सुखाने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ जगह पे मैंने गोबर का खाद मैंने मिक्स करके रखा हुआ था ये वाला पोर्शन का, तो ये वाला पोर्शन का मिट्टी हम लोग वहाँ पे ऊपर से डाल देंगे दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा हो जाएंगे। और उस पर हम लोग लास्ट में फाइनली वाटरिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग इसमें मिट्टी ऐड कर दिए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमने इसमें मिट्टी ऐड कर दिए। और यहाँ पे भी देखिए, ये मिट्टी हम लोगों ने ऐड कर देने के बाद इसमें हम लोग अच्छा से वाटरिंग कर देंगे। तो फाइनली हम लोग इसमें वाटरिंग कर दिए हैं, पानी दे दिया है, और पानी देखिए ऑयल ड्रेनेज सॉयल होने के वजह से ये पानी बह गया है। एक्स्ट्रा पानी को ये होल्ड करके नहीं रखते हैं। और दूसरा बात, ये और एक जो प्लांट है उसमें भी सेम, ये देखिए पानी होल्ड करके नहीं रखता है ये प्लांट। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आने वाले दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।